अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिसीजन मेकिंग के डिफरेंट टूल्स पे डिस्कशन चल रही थी और कल हमने जो टूल्स मज़ीद डिस्कस किए, लिमिटिंग फैक्टर विद बेकवर्ड बाय पे बात हमने कल कंक्लूड की, शट डाउन डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, क्या हालात हैं जिनमें हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है और क्या असूल है इसका जिस पर वो फैसला किया जाता है, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन किस तरह के हालात में लिया जाता है, क्या इशू हमारे सामने होता है और क्या असूल है जिस पे ये फैसला किया जाता है फर्दर प्रोसेसिंग का। कल हमने ये दो नए असूल डिस्कस किए, इनके साथ 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 हमने एक एक दो इलस्ट्रेशन देखी। तो कोई इशू कल के लेक्चर से किसी प्रिंसिपल पे क्लैरिफिकेशन, कोई हमने एग्जांपल्स की, क्वेश्चन देखे, उनमें किसी में आपको कोई फर्दर सपोर्ट चाहिए हो? अच्छा जी, अब हम पास पेपर्स क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे और सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लेते हैं। ये जो सीक्वेंस इन क्वेश्चंस का थोड़ा सा हमारा फर्क रहेगा, मतलब जो सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है उससे हट के मेरा प्लान सीक्वेंस है जिसमें मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ आगे फिर पीछे वापस आएंगे हम। तो वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। कंपनी एक्स सबसे पहले रिक्वायरमेंट, डिटरमिन द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ लिक्विड ए बी सी डी टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड इन द नेक्स्ट 3 months इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड कैलकुलेट द प्रॉफिट दैट दिस वुड यील्ड। तो रिक्वायरमेंट से ही हमें लग रहा है कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन प्लान है जो कि लिमिटिंग फैक्टर के सिनेरियो में बनाया जाता है। रिक्वायरमेंट से ही हमें टॉपिक का आइडिया हो रहा है। लेट्स रीड द डेटा स्टोरी, फिर बात करते हैं कैसे इसको लेकर चल रहा है। कंपनी एक्स मैन्युफैक्चर्स 4 लिक्विड्स ए बी सी डी, द सेलिंग प्राइस एंड द यूनिट कॉस्ट डिटेल्स फॉर दीज प्रोडक्ट्स आर एज फॉलोज। इनकी प्राइस क्या है, कॉस्ट पे डायरेक्ट मटीरियल लेबर ₹6 पर आवर के हिसाब से कितनी है, डायरेक्ट एक्सपेंसिस वेरिएबल ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड के लिए नोट नंबर 1 गिवन है, उसको बाद में देखेंगे, टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर लीटर। फिक्स्ड ओवरहेड इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स बेस्ड ऑन बजट ऑफ 1600 आवर्स। सो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकला उसने बता दिया, बजटेड ओवरहेड डिवाइड विद बजटेड आवर्स, ये इस तरीके से आपने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाला हुआ है और ये 3 months के लिए अवेलेबल होते हैं। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 months द नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर इज एक्सपेक्टेड टू बी लिमिटेड टू 1345। लिमिटिंग फैक्टर आ गया जी, लेबर आवर्स 1345 अवेलेबल होंगे। द सेम लेबर इज यूज फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स। द मार्केटिंग डायरेक्टर हैज आइडेंटिफाइड द मैक्सिमम डिमांड फॉर ईच ऑफ द 4 प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 months एज फॉलोज। ए बी सी डी की मैक्सिमम डिमांड आ गई। नो इन्वेंट्रीज आर हेल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड दैट कुड बी यूज्ड टू सेटिस्फाई द डिमांड। इन्वेंट्री भी कुछ नहीं आपके पास, इसका मतलब जितनी डिमांड है उतनी ही प्रोडक्शन है। तो डिटरमिन द नंबर ऑफ लीटर्स टू बी प्रोड्यूस। अच्छा जी, पहला पार्ट नहायत ही सिंपल हमें दिखने में लग रहा है, प्रोडक्शन प्लान बनाना। कोई मुझे बताएगा हाउ टू प्रोसीड, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन प्लान इस सिनेरियो में कैसे बनेगा, व्हाट आर द स्टेप्स? स्टेप नंबर 1, लिमिटिंग फैक्टर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और इस केस में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे लेना चाहोगे? मैंने कंट्रीब्यूशन का मतलब नहीं पूछा, मैंने पूछा इस केस में कंट्रीब्यूशन कैसे लेना चाहोगे एफिशिएंटली। प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, तो दिमाग जो चीजें सिखाई हैं इस्तेमाल करने के लिए सिखाई गई हैं भाई। इसी तरह का सवाल कराया था ना पीछे कि भाई इस तरह आ जाता है एफिशिएंट रहेगा, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट कर लेना, तो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा, कोई इश्यू इसमें? नेक्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप क्या होता है? लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट डिटरमिन करना। लिमिटिंग फैक्टर इज लेबर आवर, और लेबर आवर पर यूनिट कहां से पता लग रहा है? कॉस्ट डिवाइड विद रेट, कॉस्ट डिवाइड विद रेट, कोई इश्यू इसमें? तो ये भी बड़ा सिंपल है, बिल्कुल इलस्ट्रेशन लेवल का सवाल है, इसलिए मैं इसको भी कैलकुलेशन में इसके नहीं जा रहा, आई एम जस्ट डिस्कसिंग। किसी बच्चे को लेके भी मुझे समझ नहीं आई पूछना रहा मुझसे, क्योंकि आगे बड़े टफ सवाल आने हैं, मैं कर रहा हूं उन पर टाइम ज्यादा लगेगा, इसको डिस्कशन करते हैं। इसमें जो ट्रिक है वो मैं आपसे अगले पार्ट बी में कुछ नई चीज है वो आपसे डिस्कस करूंगा। तो जनाब, हमारे लिए लेबर आवर पर यूनिट भी यहां निकालना कोई इशू नहीं है। थर्ड स्टेप, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड विद लेबर आवर पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन भी आ गया, लेबर आवर भी आ गए। देन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर प्रोडक्शन प्रेफरेंस, प्रोडक्शन प्रेफरेंस के मुताबिक आप हायर वैल्यू रैंक फर्स्ट,
प्रोडक्शन प्रेफरेंस आ गई एंड देन स्टेप नंबर 5 प्रोडक्शन प्लान। ठीक है जी, तो मैं प्रोडक्शन प्लान तक की डिटेल में मैं आपको नहीं लेके जाता, वहां तक हमें सिर्फ गो थ्रू मैं करता हूं। इसने कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला, जरूरी नहीं कि आप पैसे निकालें, ठीक है, हमने प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट से निकालना सेम आएगा। लेबर आवर पर यूनिट कैसे आए वो हमें पता है, कॉस्ट डिवाइडेड विद रेट, यहां से लेबर आवर आ रहे हैं, और कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर एंड देन रैंकिंग, और रैंकिंग के बाद प्रोडक्शन प्लान बनाना, दैट इज नॉट एन इशू। ये जनाब अगर मेरे पास लेबर आवर्स हैं और ये मेरे पास रैंकिंग है, प्रोडक्शन प्लान के लिए बनाना कोई इशू नहीं है। मेरे पास लेबर आवर्स अवेलेबल कितने हैं, कितने लेबर आवर्स अवेलेबल हैं, 1345 लेबर आवर्स अवेलेबल हैं। तो जनाब 1345 लेबर आवर्स को लेके अब हम प्रोडक्शन प्लान बनाते हैं, तो मैं प्रोडक्शन प्लान से आगे लेके आपको चलता हूं। ठीक है जी, हमने रैंकिंग कर ली है क्वेश्चन नंबर 1 में, हम कहते हैं जी हमारे पास अवेलेबल लेबर आवर्स, ये भी काम हमारे लिए बड़ा आसान है, लेकिन स्टिल मैंने कहा हम एक को फिर आते गुजार लें। अवेलेबल लेबर आवर्स क्या हैं, और रैंकिंग के मुताबिक पहली रैंकिंग हमारी है बी की। तो हमने कहा जी सबसे पहले हम प्रोड्यूस करना चाहेंगे बी, बी की डिमांड हमारी कितनी है 150 लीटर्स, और बी पे टाइम कितना लगता है 2.5 आवर, कितना टाइम लग गया जी 375, बाकी कितना बचा 970। नेक्स्ट रैंकिंग आपकी है जी ए, हमने कहा जी अब हम प्रोड्यूस करेंगे ए, ए की डिमांड है 200 लीटर, और ए पे टाइम लगता है 3 आवर्स पर लीटर 600, बाकी बचा 370। थर्ड रैंकिंग हमारे पास है जी सी, थर्ड रैंकिंग हमारे पास सी की है, और सी की डिमांड कितनी है 100, और सी पे टाइम कितना लगता है 4, इसका मतलब सी की डिमांड हम पूरी नहीं कर सकते। तो हम सी को देखेंगे हम कितना बना सकते हैं, सी हम बना सकते हैं 370/4 कितने लीटर 90 2.5 लीटर, लीटर है ना, ये पॉइंट्स में जा सकता है, यूनिट्स हो तो डेसिमल में नहीं जाता, लीटर जा सकता है, तो 370 यहां पे कंज्यूम हो गया। लीजिए जी हमारा पहला पार्ट था प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन प्लान बताइए, ये पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन प्लान क्या है। इसके पहले स्टेप मैंने रैंकिंग तक के स्टेप मैंने डिस्कस किए, मैंने आपसे कैलकुलेशन पे शेयर नहीं किया क्योंकि वो दोज आर वेरी सिंपल, ये भी प्लानिंग हमारी सिंपल थी, लेकिन मैं इसे आगे थोड़ा सा लेकर जाना चाह रहा था कि उसमें कुछ आगे नया चीज हमें सीखने को मिलेगी। कोई सवाल प्रोडक्शन प्लान में जी? इसके बाद पार्ट 2 कैलकुलेट प्रॉफिट दैट दिस वुड यील्ड, हमने प्रॉफिट की कैलकुलेशन पे भी सवाल किए हुए हैं, हमने देखा था यहां पे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन लेस टोटल फिक्स कॉस्ट, हम इस तरीके से यहां पे प्रॉफिट मेजर करते हैं और प्रॉफिट को रिपोर्ट करते हैं। तो टोटल कंट्रीब्यूशन हमारे प्लान के मुताबिक हमने बी के 150 लीटर्स बनाने हैं, और बी का कंट्रीब्यूशन पर लीटर 55, प्लस हमने ए के 200 लीटर बनाने हैं, ए का कंट्रीब्यूशन पर लीटर 46, प्लस हमने 92.5 लीटर सी के बनाने हैं और सी का कंट्रीब्यूशन पर लीटर 61। तो टोटल कंट्रीब्यूशन यहां से हम कितना जनरेट करेंगे द प्लान विच वी आर प्रपोजिंग 23093, दिस इज द कंट्रीब्यूशन दैट वी विल जनरेट यूजिंग द प्रपोज प्रोडक्शन प्लान। अब आगे जी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, अब इस केस में एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, तो हम बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट को ही एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट लेंगे, ऐसे ही है जी पीएनएल बना रहे हैं ना, हमें एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए, तो बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट को ही एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट लेंगे। और हमें उसने बताया वह है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हमारा जो ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट है वो कितने आवर्स पे बेस है, 1600 आवर्स पे बेस है, तो 1600 आवर्स को ओआर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका बजटेड ओवरहेड आ जाएंगे, 1600 आवर्स पे बेस करके ओआर निकाला है ना, ये उसने आपको नोट नंबर 1 में बताया हुआ है। तो अगर आप 1600 आवर्स को मल्टीप्लाई कर दो ओआर से तो बजटेड ओवरहेड आते हैं। ओआर क्या है, आप लिक्विड ए उठाओ, लिक्विड ए में फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हैं, लिक्विड ए में फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं 24, और ये अब्सॉर्ब हुए हैं बेसिस ऑफ लेबर आवर पे, और लिक्विड ए के लेबर आवर्स कितने हैं, लेबर आवर्स 3 हैं। तो जनाब यहां से आपका ये ओआर पता लग रहा है आपको, दिस इज योर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, हमने क्या डिस्कस किया 1600 आवर्स पे बेस करके ओएआर निकाला गया है। तो अगर हमें बजटेड आवर्स चाहिए तो ओएआर को 1600 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बजटेड ओवरहेड डिवाइड विद 1600 से ओएआर आया,
बजट ओवरहेड डिवाइड बाय 1600 इज इक्वल टू ओआर. तो अगर आपको बजट ओवरहेड चाहिए तो ओआर इनटू 1600. तो ओआर इनटू 1600 करना है. और ओआर कहां से पता लग रहा है? वो किसी भी लिक्विड को उठा लो, ए बी सी डी, किसी के भी फिक्स ओवरहेड उठाओ, उसके लेबर आवर से डिवाइड करो, आपको ओआर मिलेगा. आप बी का उठा लो ओआर, और फिक्स ओवरहेड उठा लो 20, उसका टाइम से डिवाइड कर दो 2.5, वही 8 है. आप सी का उठा लो 32, उसके उसके टाइम से डिवाइड करो 4, वही 8 है. किसी भी एक प्रोडक्ट के फिक्स्ड ओवरहेड उठाओ जो कि फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड हैं. पर यूनिट ओवरहेड है ना, पर यूनिट ओवरहेड कैसे आते हैं? आपके चेहरे बताते हैं कि आप कहीं गुम जाते हो, चीजें कोई पढ़ते नहीं हो, भूल जाते हो, मुझे समझ नहीं आती. फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कहां से आती है? आप क्या होता है ये? ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड है ना. और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन की बेसिस क्या है? बेसिस ऑफ लेबर आवर्स. इसका मतलब फिर ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड कैसे आए होंगे? लेबर आवर पर यूनिट इनटू ओआर. और लेबर आवर पर यूनिट कितने हैं? यहां से पता लग रहा है. लेबर आवर पर यूनिट यहां से पता लग रहा है. ये लेबर आवर इनटू ओआर है. तो ओआर कैसे निकलेगा? ओवरहेड डिवाइडेड विद लेबर आवर. तो 8 रुपए हमारा यहां से ओएआर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ रहा है. इसको लेके बताइए ओवरहेड की फिगर 12,800 और प्रॉफिट 293. ये जी आपका पार्ट टू हो गया. ये जी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन प्लान बनाया हमने, उस पे हमारा प्रॉफिट क्या आएगा निकाल दिया. ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसमें तो हमने इलस्ट्रेशंस की थी इस लेवल की, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है. इस सेम लेवल की इलस्ट्रेशन हमने की हुई है. असल चीज जिसकी वजह से सवाल मैंने पिक किया, दैट इज द पार्ट बी, जिसकी वजह से मैं सवाल को डिस्कस करना चाह रहा था. पार्ट बी में अब हम क्या सीखते हैं नया? सपोज दैट अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड. मतलब साल शुरू होने से पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हुआ है बाय कंपनी एक्स एंड वन ऑफ इट्स कस्टमर कंपनी वाई. कंपनी एक्स का अपने कस्टमर कंपनी वाई से कॉन्ट्रैक्ट हो गया है साल शुरू होने से पहले. कंपनी एक्स हैज एग्रीड टू सप्लाई कंपनी वाई विद 20 लीटर्स ईच ऑफ ए बी सी डी ड्यूरिंग द 3 month पीरियड. हम 3 months की प्लानिंग कर रहे थे बाद में, हम 3 month पीरियड की प्लानिंग कर रहे थे. उसने कहा जी पीरियड शुरू होने से पहले हमारा एग्रीमेंट हो गया है कंपनी वाई के साथ, जिसके तहत हमने 20 लीटर ए, 20 लीटर बी, 20 लीटर सी सप्लाई करना है अगले 3 महीनों में. द सेल्स डिमांड फ्रॉम कंपनी वाई इज इंक्लूडेड इन द डिमांड लेवल शोन अबव इन पार्ट ए. उसने कहा जी ये जो डिमांड है इस 20 लीटर इसमें शामिल है. Requirement, given the contract with company Y, determine the number of liters of liquid ABCD to be produced and sold in next 3 months in order to maximize profits. If the maximum number of hours remains same, calculate the profit that this would yield. इसको हम कहते हैं limiting factor production planning with a confirmed order. थोड़ी सी वेरिएशन डाली उसने. Limiting factor production planning with confirmed order. इससे पहले कभी confirm order नहीं होता था. वो कहता जी demand ये है आपकी, अब बता दीजिए कि इस प्रोडक्ट के कितने यूनिट बनाने हैं. सारी लिस्टेशन ऐसे ही करते रहे ना. आपने उसे कहा कि टोटल डिमांड तो यही है, लेकिन इसमें से एक पार्टी के साथ हमारा पहले एक एग्रीमेंट हुआ है. तो रूल इज वेरी सिंपल, बहुत आसान असूल है. जब कंफर्म ऑर्डर आ जाए तो भाई कंफर्म ऑर्डर प्रोडक्शन प्रेफरेंस आपकी जो मर्जी हो वो तो ऑनर करना ही करना है. प्रॉमिस हो गया ना कंपनी वाई को, हमारा प्रॉमिस हो गया कि हम आपको 20 लीटर ऑफ ईच प्रोडक्ट एबीसीडी देंगे. अब हमारी प्रोडक्शन प्रेफरेंस है या नहीं है, एग्रीमेंट हो गया तो वो तो बनाना पड़ेगा. तो आप सबसे पहले 1345 घंटों में कंफर्म ऑर्डर बनाते हो, उसके बाद जितना टाइम बचता है उसमें फिर प्रेफरेंस के मुताबिक प्रोडक्शन करते हो. ठीक हो गया. तो अब हमारा प्रोडक्शन प्लान इस केस में कैसे बनेगा? तो जैसे देखिएगा, शुरू वैसे ही होगी कहानी. पार्ट बी में हम कहेंगे जी अवेलेबल आवर्स तो वही हैं 1345, लेकिन सबसे पहले इसमें से लेस कर दीजिए आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑर्डर ऑफ कंपनी वाई. पहले उसको लेस कर दीजिए. और वो क्या है? 20 लीटर ए का 3 घंटे के हिसाब से टाइम लगेगा, 20 लीटर बी का 2.5 आवर्स के हिसाब से टाइम लगेगा, 20 लीटर सी का 4 आवर के हिसाब से टाइम लगेगा, और 20 लीटर डी का कितना जी 4.5 आवर्स के हिसाब से टाइम लगेगा. टोटल कितना टाइम लग गया कंफर्म ऑर्डर बनाने में? 280. लीजिए जनाब इसको निकाल दीजिए. अब देखिए क्या टाइम बचा 1065. अब आप आ जाइए प्रोडक्शन प्रेफरेंस के ऊपर. ठीक है जी, कंफर्म ऑर्डर जब आपके पास है तो प्रोडक्शन प्रेफरेंस से हटके वो तो बनाना ही बनाना है.
वो हमारी रैंकिंग 1 है 2 है 3 है, दैट डज नॉट मैटर, वो हमारी कमिटमेंट है विच वी मस्ट ऑनर। ठीक है जी, तो ये तो ऑनर कर दिया, सिर्फ ये एक नई चीज इसमें हम सीख रहे हैं। अब इसके बाद प्रोडक्शन प्रेफरेंस शुरू हो जाएगी। तो हमने कहा जी प्रोडक्शन प्रेफरेंस के मुताबिक चले, तो इसके बाद बारी है जी बी की। बी की डिमांड कितनी है? 150। लेकिन 20 तो बना दिया ना, ये उसमें शामिल था ना, 20 तो बना दिया, तो अब कितना रह गया बाकी? 130। प्रोड्यूस बी 130, 2.5 के हिसाब से कितना टाइम लगा? 325। बाकी क्या बचा? 740। बी के बाद बारी आई ए की, प्रोड्यूस ए, ए की डिमांड है 200, लेकिन 20 तो बन गया ना पहले, बाकी कितना बचा? 180 इंटू 3, 540, बाकी बचे 200 घंटे। अब बारी आई सी की, तो सी के इस टाइम में सिर्फ बनेंगे, डिमांड तो सी की है 100 की, 20 बन गया, बाकी बचे 80, लेकिन हमारे पास जो टाइम अवेलेबल है उसमें हम 80 भी नहीं बना सकते, हम सी के बनाएंगे 200/4, 50। लीजिए जी 200 यहां पे कंज्यूम हो गए, ये कहानी खत्म हुई। अब हमसे पूछा गया है भाई अगर ऐसा है तो प्रोडक्शन प्लान बताओ, तो अब हमारा प्रोडक्शन प्लान यहां पे क्या बना? हमारा प्रोडक्शन प्लान है ए बी सी डी में, ए है 20+180, बी है 20+130, सी है 20+50 और डी है जस्ट 20। ये हमारा प्रोडक्शन प्लान बनता है इस केस में, एग्रीड? अगर कंफर्म ऑर्डर आ जाए तो हमारा प्रोडक्शन प्लान बदल जाता है, और इस रिवाइज प्रोडक्शन प्लान पे रिवाइज प्रॉफिट निकालना कोई इशू नहीं है, कंट्रीब्यूशन इस प्लान का निकल आएगा अब, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी ना, प्रोडक्शन जो मर्जी करो फिक्स कॉस्ट तो वही है जिसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन बाकी नए प्लान के मुताबिक हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट यही रहेगी। और एक चीज बड़ी क्लियर हमें रखनी है कि नए प्लान के मुताबिक जो प्रॉफिट आएगा उससे ज्यादा होगा कम होगा? पार्ट बी में जो प्रॉफिट बनेगा इससे ज्यादा होगा कम होगा? यकीनन कम होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्लान है, हमने इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश की है, जबकि उस प्लान में हमने कंफर्म्ड ऑर्डर पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कोशिश नहीं की। वहां पे कंफर्म ऑर्डर ने कहा जी ये तो बनाना ही बनाना है, प्रॉफिट कम है या ज्यादा बनाना ही है, तो यकीनन वहां पे प्रॉफिट कम ही है क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट तो इस प्लान पे बनता है। तो वो हम देख सकते हैं, हम उसका प्रॉफिट की कैलकुलेशन में हम दोबारा नहीं जाते, रिपीट नहीं करते, जो की कैलकुलेशन थी हमने वो परफॉर्म कर ली है। तो ये जनाब उसकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन आप देखेंगे अगर, तो पार्ट बी का मुनाफा 10,000, जो कि यकीनन पार्ट ए के मुनाफे से कम है, ये हमें पता था कि ऐसे ही होना है। तो ये उसके कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन है, वही फिक्स कॉस्ट लेस करेक्ट प्रॉफिट है। अब इसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, यू डोंट हैव टू लर्न दैट, इसने कैसे कंट्रीब्यूशन निकाला आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको चीजें सिखाई नहीं, आप अपने तरीके से सवाल कीजिए, एंड में आगे सिर्फ ये टैली कर लीजिए कि भाई प्रॉफिट टैली है हमारा, तो वी आर ओके, हमें पीछे उसने क्या किया उसकी प्रेजेंटेशन क्या है हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तो जनाब एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? क्वेश्चन नंबर 1, हमने डील किया अच्छा जी, अब हम एक करेंगे और क्वेश्चन, और वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें देखना है। अब यहां पे आपने जो चीज नोट करनी है, मैं एक तवज्जो ला दूं, असूल वही रहेंगे जो हम सीख चुके हैं, सवाल पढ़ के आपने रिलेट करना है सिनेरियो कौन सा है, असूल आपके जहन में आना चाहिए, और उस असूल की एप्लीकेशन आप प्लान करेंगे। क्वेश्चन की कहानी ये तैयार रही है कि वो डिफरेंट होगी उन बातों से जो आपने पहले पढ़ी हैं, पहले सुनी हैं, या किताब में देखी होंगी, पास पेपर में। हर सवाल आपको नया मिलने वाला है, ठीक है? तो बहरहाल ये सवाल भी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी हमारे किसी असूल से डायरेक्टली मैच होगा, तो देखते हैं, पहले उस असूल को आइडेंटिफाई करेंगे फिर आगे चलेंगे। पहला पॉइंट, व्हाट आर द नॉन फाइनेंशियल फैक्ट कंसिडरेशन रेलिवेंट टू मेक और बाय, इस पर हमारी बात हो चुकी है, मेक और बाय में अदर फैक्टर्स, ठीक है? सो आई डोंट रिपीट इट, ये पढ़ लीजिएगा। लेकिन यहां से कम हमें एक और हिंट भी मिलता है कि 99% चांसेस है कि ये क्वेश्चन भी मेक और बाय का कुछ ना कुछ ताल्लुक रखता होगा। तो बहर सवाल पढ़ते हैं जी, पार्ट ए। अच्छा ये सॉरी मैं बता दूं, 3 नंबर का सवाल है, मतलब 4-5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लिखना। 3 नंबर का सवाल आपको बेशक इस पर 2 सवे लिखने को आते हैं, आपके दिमाग में 2 सवे का मटीरियल है, बट 3 नंबर के मुताबिक आपने सिर्फ 4-5 मिनट, इससे ज्यादा यहां पर टाइम आपने इन्वेस्ट नहीं करना राइटिंग पे। प्रिपेयर प्रोडक्ट वाइज प्लान ऑफ प्रोडक्शन ऑब्लिक इंपोर्ट टू मैक्सिमाइज कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी। सिर्फ प्रोडक्शन का प्लान नहीं है, ऑब्लिक इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब आउटसोर्सिंग बाय, मतलब एक लोकल परचेज होती है और एक
फॉरेन कंट्री से परचेज है तो फॉरेन कंट्री से परचेज को इंपोर्ट कहा जाता है. सो प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट, प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट प्लान किस टॉपिक में बनता है? लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय ऑप्शन. जिसमें हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हम कुछ प्रोडक्ट इनहाउस बनाते हैं, बाकी बाहर से बाय करते हैं. उस केस में प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट प्लान कह लीजिए, प्रोडक्शन एंड आउटसोर्सिंग प्लान कह लीजिए. इस केस में प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट प्लान के टर्म यूज कर ली. टॉपिक है लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय ऑप्शन. तो अब सवाल पढ़ते हैं जी, लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय टॉपिक में पता लग गया. अल्फा लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी, तीन प्रोडक्ट्स. इन व्यू ऑफ द लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी एएल इज मीटिंग द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट्स पार्टली थ्रू इंपोर्ट्स. कैपेसिटी लिमिटेड है, कुछ प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर लेते हैं. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर. ए बी सी मशीन आवर यूज इन प्रोडक्शन, ए बी सी तीनों की प्रोडक्शन में कितने मशीन आवर यूज हुए. नंबर ऑफ यूनिट्स, सेल कितने यूनिट्स किया आपने, इस सेल में से प्रोडक्शन कितनी थी, इंपोर्ट कितनी थी. ए के टोटल 42,000 बेचे, 30,000 बना के बेचे, 12,000 इंपोर्ट करके बेचे. ये एग्जिस्टिंग प्लान है हमारा, जो हमने किया है पिछले साल. 35,000 बेचे, 25 बनाए थे, 10 खरीदे थे. 26,500 बेचे, 22,500 बनाए थे, 4 इंपोर्ट किए थे. तो बहरहाल सेल आगे डाटा है जी, रुपीज इन मिलियन में. सेल्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, ये सारी प्रोडक्शन कॉस्ट की डिटेल है और ये इंपोर्ट की डिटेल है. प्रॉफिट एंड लॉस में सारी बात है, जो प्रोडक्ट बनाई है उसकी कॉस्ट भी आएगी, जो इंपोर्ट की है उसकी कॉस्ट भी आएगी. ठीक हो गया. सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एएल इज वर्किंग एट 100% कैपेसिटी. मतलब ये जो आवर यहां पे यूज किए गए हैं ये प्लांट की टोटल कैपेसिटी है. एएल बिलीव्स इट कैन ऑब्टेन सब्सटेंशियल क्वांटिटी डिस्काउंट्स फ्रॉम फॉरेन सप्लायर इफ इट इंक्रीजेस द इंपोर्ट वॉल्यूम्स. ईच प्रोडक्ट इज सप्लाइड बाय डिफरेंट सप्लायर, हर प्रोडक्ट एबीसी डिफरेंट सप्लायर से खरीदी जा रही है. और एएल का ख्याल है कि अगर हम इंपोर्ट की क्वांटिटी सप्लायर से बढ़ाएंगे तो हमें कुछ डिस्काउंट मजीद मिल जाएगा. After intense negotiation, the supplier have offered discounts of 15, 10 and 12% of the products, ABC respectively. तीनों ने discount offer कर दिया है, 15, 10 और 12. ये discounts हैं जो मैं supplier ने offer किया है. Prepare a product-wise plan of production, import to maximize the company's profitability. अच्छा जी, limiting factor with make or buy. How to proceed? कैसे चलते हैं? Step number one, extra cost पर यूनिट. और कैसे निकलती है? कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट. अच्छा, यहां पे बे छोटी सी एक्टिविटी आई वुड लाइक कि आप परफॉर्म कीजिए. मैं थोड़ा गाइड कर देता हूं आपको. कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग कहां से आएगी? ये टोटल कॉस्ट है और ये यूनिट्स इंपोर्ट है. तो टोटल कॉस्ट को इंपोर्ट से डिवाइड करो, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी. और यह प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसको यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड करो, प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी. एग्रीड? ये दो कॉस्ट चारों प्रोडक्ट्स की निकालिए. Then I'll take you further. जी जनाब, कुछ वर्कआउट ही भी करता आपने. Let's share with me. हम question number 5 पे बात कर रहे हैं और हम चार प्रोडक्ट से डील कर रहे हैं. ए बी सी डी, मुझे सबसे सॉरी तीन प्रोडक्ट्स हैं. ओके जी, ए बी सी. सबसे पहले आप मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताइए, कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन की बताइए क्या है इसकी वर्किंग. यू मस्ट परफॉर्म. टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट मिलियन में अवेलेबल है, डिवाइड विद यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. क्या फिगर है जी? कॉस्ट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस रुपीज में 40,200 ए बी 3850 सी 5,600. अच्छा जी, ये तो होगी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब कॉस्ट पर यूनिट इंपोर्ट की बताइए क्या है. कॉस्ट पर यूनिट इंपोर्ट की, इंपोर्ट कॉस्ट अवेलेबल है, डिवाइड विद यूनिट्स जो आपने इंपोर्ट किया उससे. जी ए की 5700, जी बी की 4700, सी की 6720. अच्छा जी, हमने जी कॉस्ट ऑफ
इंपोर्ट निकाली पर यूनिट। अब यहां पे थोड़ी सी आपको जरा पॉज लेना है। हमें कंपनी की एग्जिस्टिंग पॉलिसी दी गई थी परचेज एंड इंपोर्ट की, ये दो वर्किंग कर ली हमने, लेकिन अब हम दोबारा जाते हैं सवाल पे और थोड़ा सा इसको जरा मजीद बेहतर अंदाज में समझते हैं। हमें कंपनी की एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट पॉलिसी दी गई है। कंपनी ने क्या किया है कि हर प्रोडक्ट का कुछ हिस्सा प्रोड्यूस किया है, कुछ हिस्सा इंपोर्ट किया, ऐसे ही है। अब जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आई वॉन्ट यू टू अप्लाई योर माइंड, क्या ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्लान है? नो, बिल्कुल ठीक है। व्हाई नो? यार ठीक है, बट व्हाई यू सेड नो? क्यों नो? व्हाट मेड यू से नो? जी बेटा, बेटा हो सकता है आपका जवाब यही आ रहा हो, मैं यही पूछ रहा हूं, आपने कैलकुलेट तो नहीं ना किया। यू डोंट नो व्हाट्स द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्लान, बट व्हाई यू आर सेइंग नो? आई एम सेइंग कि यस यू आर राइट, इट्स नो, बट व्हाई? विदाउट कैलकुलेटिंग यू आर सेइंग नो। या तो कैलकुलेट करके कंपेयर करके बता दीजिए, चूंकि हमारे प्लान से मैच नहीं करता इसलिए नो है। आपने तो ऐसा नहीं किया, फिर नो क्यों कहा? नेता ये प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट प्लान एक गिवन है ना, आपको जो कंपनी फॉलो कर रही है। मैंने आपसे पूछा क्या ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट प्लान है, एक ये भी तो प्लान है ना, एक उसने हमसे भी मांगा हुआ है। हम क्यों कह रहे हैं विद कॉन्फिडेंस कि ये प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट प्लान प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग नहीं है? सॉरी जी, एग्जैक्टली इसने क्या किया, हर प्रोडक्ट को डिवाइड कर दिया है। हमने क्या सीखा था कि भाई हम पहले इनहाउस रिसोर्सेज को यूज करते हुए कोई एक प्रोडक्ट पूरी बनाना चाहेंगे, फिर दूसरी प्रोडक्ट की तरफ तवज्जो करेंगे, जब हमारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे फिर एंड में जो प्रोडक्ट बचेगी उसकी इंपोर्ट की तरफ चलेंगे। हम इंपोर्ट तीनों की नहीं करना चाहेंगे, हम चाहेंगे हमें अगर एक ही इंपोर्ट करना पड़े तो बेहतर है, या मैक्सिमम हो जाए जो बच जाए दूसरे का भी शायद कुछ हिस्सा करना पड़े। अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गया। अब इसका इंपैक्ट देखिए क्या आने वाला है। जब हम लेट्स अज्यूम मैं फैसला करता हूं जी, मैंने हमारी रैंकिंग अभी हमने बनाई नहीं है, लेट्स अज्यूम रैंकिंग 1, 2, 3 है, लेट्स अज्यूम, तो मैं पहले ए के सारी यूनिट्स बनाना चाहूंगा, 30 नहीं बनाऊंगा, 42 बनाना चाहूंगा, ऐसा ही है। फिर मैं बी के 35 सारी यूनिट बनाना चाहूंगा, उसके बाद जो कुछ बचेगा सारा इंपोर्ट का बोझ किधर जाएगा? सी पे, अज्यूमिंग एबीसी 1, 2, 3 रैंकिंग ऐसी ही है, सारा इंपोर्ट का बोझ इधर जाएगा, या वाइस वर्सा हो, सी बनाया फिर बी बनाया सारा इंपोर्ट का बोझ इधर चला जाएगा। बट वन थिंग इज क्लियर, जो यहां से हम समझते हैं कि हमारी रैंकिंग के मुताबिक प्रोडक्शन होगी तो कुछ प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट खत्म हो जाएंगी, ऐसा ही है। जैसे अगर ए हमारी पहली रैंकिंग पे है तो हम सारी प्रोडक्शन करेंगे ना, एक ही इंपोर्ट तो जीरो हो जाएगी और कुछ प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट बढ़ जाएंगी, ऐसे ही होने वाला है। अब किसकी जीरो होती है किसकी बढ़ती है, बट एक चीज क्लियर है कि भाई इंपोर्ट कुछ प्रोडक्ट्स की जीरो हो जाएंगी और कुछ प्रोडक्ट की शायद बढ़ जाएंगी, और जिसकी भी बढ़ेंगी उसमें हमें डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसकी भी बढ़ेगी उसकी हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका मतलब हमारे लिए रेलेवेंट कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए ये नहीं है जो अब हम पे कर रहे हैं, हमारे लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? आफ्टर डिस्काउंट, क्योंकि हम तो डिसीजन ले रहे हैं फ्यूचर के बारे में, ये कॉस्ट तो हमने पे की है पिछले साल, हम फैसला कर रहे हैं अगले साल हमें क्या करना है, तो अगले साल क्या करना है उसके लिए हमें अगले साल की कॉस्ट चाहिए। अगले साल इंपोर्ट की पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी, तो अगले साल इंपोर्ट की पर यूनिट कॉस्ट हम जो भी इंपोर्ट करेंगे उस पर हमें डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि हम जो भी इंपोर्ट करेंगे रैंकिंग के हिसाब से करेंगे ना, तो रैंकिंग के हिसाब से हमारी जो भी इंपोर्ट आएगी उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी एग्जिस्टिंग मुकाबले में। लेट्स इनकॉर्पोरेट डिस्काउंट, हम इसमें डिस्काउंट करते हैं। मैं कहता हूं जो कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट करंट क्या है और आफ्टर डिस्काउंट, और डिस्काउंट उसने मैं बताया हुआ है 15, 10 और 12%, 15%, 10% और 12%। तो जनाब ये डिस्काउंट डालते हैं हम, तो ये 57 की फिगर जो है ये 57 की फिगर 5700 इंटू 0.85 ये ना, 15% डिस्काउंट डालने का तरीका क्या, कितनी बनी 4845, 4700 इंटू 0.9 4230, 6720 इंटू 0.88 5914। लीजिए जी, अब यहां से हम निकालते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट ए और बी, ए माइनस बी एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट, एग्रीड, एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट विद इंपोर्ट, इंपोर्ट में हमें आउटसोर्सिंग में हमें बाइंग में हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ी है जी, 645 जी, यहां पे
380, यहां पे 340, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट 314, 314 लीजिए जी, ये हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट मिल गई, लेट्स अज्यूम इट इज सी, ए माइनस बी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई, व्हाट इज द नेक्स्ट एफ, मशीन आवर पर यूनिट, बिल्कुल ठीक है जी। तो अब हम मशीन आवर पर यूनिट देते हैं फॉर इन हाउस प्रोडक्शन, तो मशीन आवर पर यूनिट निकालना बड़ा आसान है जी, हमें टोटल मशीन आवर अवेलेबल है ए पे कितने लगे 240,000 और ए के कितने यूनिट बनाए 30,000, तो मशीन आवर पर यूनिट ए के कितने हैं 8, बी के, बी पे कितना टाइम लगा 225,000 और बी के कितने यूनिट बनाए इस टाइम में 25,000, बी का टाइम पर यूनिट 9, सी पे कितना टाइम लगा 270,000, सी के कितने यूनिट बनाए 22,500, टाइम पर यूनिट 12। लीजिए जी, यहां से आप बता दीजिए एक्स्ट्रा कॉस्ट पर मशीन आवर क्या है, डिवाइड करेंगे आप, इफ दिस इज डी तो सी डिवाइड विद डी, एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रही है 80.63 जी, यहां पे जी 40.22 जी, लास्ट वन 17, प्रोडक्शन प्रेफरेंस हाईएस्ट वैल्यूज रैंक फर्स्ट, रैंकिंग 1, 2 एंड 3, ये जी हमारी प्रोडक्शन प्रेफरेंस आ गई, प्रोडक्शन प्रेफरेंस हमारी आ गई है, इसके मुताबिक अब हम प्रोडक्शन प्लान बनाएंगे और जो बच जाएगा वो हमारा इंपोर्ट प्लान बन जाएगा, प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट प्लान। अब असूल वही है लेकिन थोड़ी सी जो ट्विस्ट एग्जामिनर ने डाली वो ये थी, अब ये ट्विस्ट अब स्किप कर जाएंगे तो ये नंबर सवाल के अवेलेबल हैं 15, मार्किंग स्कीम इसकी हमें अवेलेबल नहीं होगी तो मे बी 15 में से आपके 3-4 नंबर कट जाएंगे, अगर डिस्काउंट का वर्किंग आप स्किप कर जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सवाल गलत हो गया, डिस्काउंट की वर्किंग स्किप की, बाकी असूल तो सारे सही बता दिए ना कि भाई कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, एक्स्ट्रा कॉस्ट है, एक्स्ट्रा कॉस्ट पर मशीन आवर्स है, एक्स्ट्रा कॉस्ट पर मशीन आवर है, रैंकिंग है, बाकी सब तो ठीक है ना, सिर्फ डिस्काउंट मिस किया तो 3-4 नंबर काट लेगा, कोई वरी की बात नहीं है, हमें डिस्काउंट की समझ नहीं आ रही तो बैठ नहीं, हमने फंस के बैठ नहीं जाना, सवाल दया नहीं कर देना, 15 में से 15 एक्सेलेंट बट 15 में से 10-11 भी आ जाए बेहतरीन है, 67% 70% मार्क्स है, बहुत जबरदस्त मार्क्स है, कोई परेशानी की बात नहीं है, तो हमें कोशिश यही है बेस्ट मार्क्स मिल जाए, नहीं मिलते तो कोई वरी नहीं है, सवाल को कंप्लीट करना इज द की, एंड तक जाना जी, हमने रैंकिंग हमने बना ली है, अब रैंकिंग के मुताबिक हम प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट प्लान बनाते हैं, तो हम पहले प्रोडक्शन प्लान बनाने जाते हैं, तो प्रोडक्शन प्लान की कहानी शुरू होती है अवेलेबल मशीन आवर्स से, और अवेलेबल मशीन आवर्स उसने कहा जी ये मशीन फैक्ट्री टोटल कैपेसिटी पर चल रही है तो 240,000 प्लस 225,000 प्लस 270,000 ये जी टोटल मशीन आवर्स अवेलेबल है हमारे पास, कितने जी 735,000। अब प्रेफरेंस के मुताबिक चलिए, सबसे पहली प्रेफरेंस है ए, तो हमने कहा जी हम सबसे पहले ए बनाएंगे, ए की डिमांड कितनी है 42,000, हम पहले 30 बना रहे थे 12 इंपोर्ट कर रहे थे बट डिमांड तो 42 है ना, तो हम तो कहते हैं हमें 42,000 पूरा बनाना चाहिए, तो 42,000 इंटू 8 कितना टाइम लग गया 36,000, बाकी कितना बचा 399,000। इसके बाद बारी आई बी की जी, हमने कहा जी प्रोड्यूस बी, बी की डिमांड कितनी है 35,000 और टाइम कितना लगता है 9, पूरा बनेगा जी 35,000 इंटू 9 कितना टाइम लगा 315,000 कितना बाकी बचा जी 84,000। तो अब बारी आई सी की, तो सी की प्रोडक्शन हम कंप्लीट नहीं कर सकते, तो हमने कहा जी हम सी जो है वो बैलेंस बना लेंगे, 84,000 में 12 घंटे पर यूनिट के हिसाब से हम कितने यूनिट्स बनाएंगे 7,000, ये जी हमारी सी की प्लानिंग होगी, 84,000 टाइम लगा, प्रोडक्शन प्लान हमारा रेडी है, हमने प्रोडक्शन प्लान जो बनाया ए के यूनिट्स 42,000 बनाएंगे, बी के यूनिट्स 35,000 बनाएंगे, सी के यूनिट्स 7,000 बनाएंगे, ये प्रोडक्शन प्लान आ गया। अब बाकी जो बचा वो इंपोर्ट, और सिर्फ सी ही तो बचा है, तो अब हम इंपोर्ट प्लान दे देते हैं नीचे इसके, और इंपोर्ट प्लान में हमारे पास सिर्फ सी की डिमांड बची है, सी की टोटल डिमांड थी 26,500, 7,000 आपने प्रोड्यूस कर दिया, बाकी कितना बचा इंपोर्ट के लिए जी 19,500 यूनिट्स, ये जनाब हमारी इंपोर्ट का प्लान है। तो रिक्वायरमेंट हमारी क्या थी, प्रिपेयर प्रोडक्शन प्लान
प्रोडक्ट वाइज प्लान ऑफ प्रोडक्शन इम्पोर्ट टू मैक्सिमाइज कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी। ये जनाब हमारे पास प्रोडक्शन एंड इम्पोर्ट प्लान भी आ गया। इम्पोर्ट प्लान क्या है और प्रोडक्शन प्लान क्या है? जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? तो एग्जाम लेवल क्वेश्चन हमने देखा और हमने देखा आइंदा भी देखते रहेंगे, बेसिक असूल वही रहेंगे, लेकिन हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया एक स्टेप आया करेगा। जैसे इसमें डिस्काउंट की ट्रीटमेंट आ गई, तो बेसिक स्टेप अगर आपकी कमांड है तो आपका 70% स्कोर बिल्कुल सेफ है। एक ट्रिक आएगी 30-40% उस पर डिपेंड कर रहा होगा, वो ट्रिक आपने कैप्चर कर ली, एक ट्रिक है, दो ट्रिक है, 30-40 उस पर डिपेंड करेगा। आपने पिक कर ली एग्जाम में तो आप 100% स्कोर करोगे। अगर खुदा ना खासा पिक नहीं कर पाए तो भी 60-70% स्कोर करोगे आप, प्रोवाइडेड सवाल पूरा कर लो। गड़बड़ वहां पे है जहां पे किसी स्टेप पे फंसे, किसी ट्रिक पे फंसे और सवाल छोड़ दिया, फिर नहीं पास होते आप। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है? तो आज के लिए इतना जी, कल मजीद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। और कल जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे कल के, तो आई गिव यू प्लान कि मैंने कौन कौन से आपको क्वेश्चन मजीद हैं जो क्लास में डिस्कस करने हैं, प्लान इज विद मी, ताकि उसके अलावा आप अगले मजीद क्वेश्चन आप खुद करना चाहो तो साथ साथ करते चलो। लेकिन मैं चाहूंगा कि कल का दिन भी हम गुजारें ताकि दो को सवाल शायद मजीद डिस्कस कर लें, देन आई विल टेल यू कि भाई आइंदा अगले 2-3 दिनों में ये क्वेश्चन जो मैं फिलहाल कराने जा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।